गुलहरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में रविवार की देर रात युवक की गला रेतकर हत्या की गई। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पर पहुंची मकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के बधिक टोला पादरी बाजार निवासी रामकरण निषाद उर्फ मतेलू निषाद पुत्र कांता निषाद काफी दिनों से गुलहरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज स्थित उमेश गुप्ता के मकान में अपने दोस्त के साथ किराए पर रहता था, जिसका कथित तौर पर अवैध संबंध दोस्त की पत्नी से हो गया था, जिसको लेकर रविवार की रात उसकी हत्या हो गई। सुबह जब खबर पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची मकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया तथा हत्यारोपी की तलाश में जुट गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। रामकरण निषाद नाम का एक व्यक्ति था, 25-26 वर्ष का। ये शिवपुर सहबाजगंज में उमेश प्रसाद के परिवार के साथ रहते थे। इनका जो इसके परिवार से जो है संबंध था, आज सुबह जो है कल रात्रि में जो है इनकी गला रेत कर जो हत्या कर दी गई है। सुबह जो पुलिस को सूचना मिली, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। ये मकान किराए का था, उमेश प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने किराए का ले रखा था। उसी के परिवार के साथ ये रामकरण भी रहते थे। क्या करते थे कुछ पता नहीं? रामकरण मजदूरी पेशा व्यक्ति थे, मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते थे। नहीं, ये मृतक अविवाहित थे जी। आज एक सुबह ही सूचना प्राप्त हुई रामकरण निषाद नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। तो रामकरण निषाद की हत्या करने वाले की पहचान उमेश प्रसाद के रूप में हुई है। अभी प्राथमिक जांच में पता चला है कि उमेश प्रसाद और ये रामकरण निषाद दोनों दोस्त थे, साथ में रहते थे और इनकी आपस में नशेड़ी थे। और कुछ इसमें और भी चीज़ें आ रही सामने कि रात में कोई लगभग 3 बजे किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और उसमें उमेश कुमार ने रमेश कुमार निषाद का गला रेत करके हत्या कर दी है। प्राथमिक जाँच में सामने आया है, अभी विवेचना में ये सब बातें और क्लियर हो जाएंगी। उमेश जो है फरार है और उसके बाकी जो वहाँ पर फैमिली मेंबर, उसकी वाइफ, बच्चे वगैरह थे, उनसे भी पूछताछ में इस तरह की बातें सामने आई हैं।